आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, उसका नाम है द लिंपिंग हॉर्स। द लिंपिंग हॉर्स बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इसमें जो वोकैबुलरी यूज़ होगी वो मैंने आपके लिए लिख दी है। स्ट्रक्चर भी बताऊंगा किस तरह के यहाँ पर यूज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रीड करना। तो आप बने रहिए बिल्कुल एंड तक, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये हमारी जो वीडियो है, ये है वीडियो नंबर 330। तो हमने 321 तक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, ग्रामर और भी बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद 322 से हम लगातार कर रहे हैं पैराग्राफ और राइटिंग, सो दैट जो भी हमने सीखा है हम उसको देख सकें कि प्रैक्टिकली कैसे यूज़ होता है। तो चलिए अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ ये स्टोरी, द लिंपिंग हॉर्स। हॉर्स का मतलब तो घोड़ा होता है, यू नो वेरी वेल, और लिंपिंग हॉर्स का मतलब क्या हुआ? तो वोकैबुलरी पर चलते हैं सबसे पहले। तो लिंप, टू लिंप, दिस इज़ अ वर्ब, और इसका मतलब होता है लंगड़ाना, यानी कि लंगड़ा चलना, टू लिंप। और लिंप का एक मतलब मुरझाया हुआ भी होता है, जैसे आप बोलते हैं फ्लावर्स आर लिंप, यानी कि वो मुरझाए हुए हैं। तो एक लिंप का मतलब मुरझाया हुआ होता है, लेकिन वर्ब है यहाँ पर तो लंगड़ा चलना, लंगड़ाना। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है लिंपिंग, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है लंगड़ाता हुआ। तो हमारी जो स्टोरी है इसमें क्या आ रहा है, लिंपिंग हॉर्स। अब क्या मतलब निकालेंगे, लंगड़ाता हुआ घोड़ा। तो लिंपिंग यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव, और हॉर्स है एक नाउन, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं स्टोरी। तो स्टोरी गोज लाइक दिस, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ प्राइज्ड हॉर्स, एक प्राइज वाला घोड़ा। तो यहाँ पे प्राइज्ड जो है ये यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव, मतलब जो प्राइज वाला घोड़ा है, स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, लिंपिंग, लंगड़ाना। तो प्राइज्ड हॉर्स ने लंगड़ाना शुरू कर दिया इन, कहाँ पे, किंग अकबर्स किंगडम, ये जो किंग अकबर थे इनके राज्य में, इनके किंगडम में। तो यहाँ पर आप ये वर्ड लेके जाएं, ये वाला स्ट्रक्चर, स्टार्टेड लिंपिंग, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। तो जब भी स्टार्ट या स्टॉप, कोई भी वर्ब आती है स्टार्ट या स्टॉप, इसके साथ एक जेरंड का यूज़ होता है, लेकिन इसके साथ में ये जो स्टॉप है इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा जेरंड ही मिलेगा, यानी कि आईएनजी फॉर्म मिलेगा। इसके साथ अगर आपको कभी भी टू इन्फिनिटिव मिला, याद रखिएगा टू इन्फिनिटिव, दोनों के बहुत, मतलब दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर आप ये बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, स्टॉप स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है, स्टॉप स्मोकिंग। अब एक स्टॉप स्मोकिंग लिखा है, एक लिखा है स्टॉप टू स्मोक, एक जगह मैंने यूज़ कर लिया जेरंड, एक जगह इन्फिनिटिव। अब डिफरेंस क्या है इसके अंदर, स्टॉप स्मोकिंग का मतलब हो गया कि स्मोकिंग करना बंद करो, और स्टॉप टू स्मोक इसका मतलब है स्मोक करने के लिए रुको। ध्यान से देखिएगा, स्मोकिंग करना बंद करो, स्टॉप स्मोकिंग, एंड स्टॉप, रुको, टू स्मोक, स्मोक करने के लिए। ये मेजर डिफरेंस है इस जेरंड में और इन्फिनिटिव में, स्पेशली विद स्टॉप, ठीक है। तो ये उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। तो अब वापस चलते हैं, देखिए स्टोरी। तो यहाँ पे स्टार्ट के साथ क्या यूज़ हो रखा है, आईएनजी फॉर्म। तो जो प्राइज्ड हॉर्स था उसने शुरू किया लिंपिंग करना, लंगड़ाना शुरू कर दिया, कहाँ की बात हो रही है, किंग अकबर के किंगडम की। आगे लिखा है इनिशियली, अब इनिशियली का क्या मतलब होता है, जैसे इनिशिएट करना, इनिशिएट करना मतलब पहल करना, शुरू करना। यहाँ पे इनिशियली एक एडवर्ब है, तो इनिशियली का क्या मतलब होगा, यहाँ पे देख लीजिए, इनिशियली का मतलब होगा शुरू में या शुरुआत में, मतलब इनिशियली ऐसा था, मतलब शुरू में ऐसा था। तो यहाँ पे स्टोरी में आ रहा है इनिशियली, मतलब शुरुआत में, एवरीवन, सभी ने थॉट, सोचा, सभी ने सोचा, शुरुआत में सभी ने सोचा दैट कि इट कुड बी अ माइनर इंजरी, कि ये कोई छोटी सी इंजरी हो सकती है। यहाँ पे कैन का यूज़ था, यहाँ पे कैन का यूज़ था, लेकिन ये जो दैट से पहला सेंटेंस है ये पास्ट में है, इसीलिए कैन का क्या बन गया, कुड। तो ज़्यादा संभावना के लिए हम कैन भी लगाते हैं। तो हर किसी ने सोचा कि ये तो एक माइनर सी इंजरी है, माइनर मतलब हल्की सी, मेजर होती है कोई बड़ी और माइनर होती है छोटी। तो सभी को शुरू में लगा कि ये एक माइनर इंजरी है,
और या एक फ्रैक्चर है, छोटा सा फ्रैक्चर, छोटी सी इंजरी। उसके बाद क्या हुआ, न्यूमरस मतलब बहुत सारे वेट्स। अब वेट्स कौन होते हैं, पहले आप वोकैबुलरी की तरफ चलिए। वेट, वेट होता है पशु चिकित्सक, जो पशुओं का इलाज करता है। तो वेट्स मतलब ज़्यादा हो गए। तो अब कह रहे हैं कि जो न्यूमरस वेट्स हैं, इसको आप याद कर लीजिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, न्यूमरस वेट्स। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, वेट्स मतलब पशु चिकित्सक। बहुत सारे पशु चिकित्सकों को वर कोल्ड बुलाया गया फॉर इट्स ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब जानवर है, जानवर के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट्स, इसीलिए यहाँ पर भी यूज़ हुआ इट, क्योंकि एनिमल है। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे वेट्स को, पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। ये कौन सा फॉर्मेशन यूज़ हुआ है, तो ये फॉर्मेशन आपकी जो यूज़ हुई है वो है ये वाली फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट पहले, फिर वॉज वर थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट इनडेफिनिट पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस होता तो ये यूज़ होता, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म। अब पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब उनको बुलाया गया। अगर ध्यान से देखें, बुलाए जाने का काम इन्होंने नहीं किया, इनको तो बुलाया गया, इसीलिए ये क्या हमारे ऑब्जेक्ट हुए। तो न्यूमरस वेट्स को बुलाया गया उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो जानवरों के लिए इट्स लगेगा। बट लेकिन नो वन वॉज एबल टू डायग्नोज, इसको डायग्नोज बोलते हैं, दी एलमेंट। एलमेंट मतलब बीमारी। तो कोई भी उसकी जो बीमारी थी उसका पता नहीं लगा सका। और यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है एबल टू, इसको भी ध्यान से रखिएगा, काफ़ी यूज़ होता है। तो डायग्नोज करना एलमेंट को, ठीक है। तो डायग्नोज कैंसर, कैंसर मतलब किसी को बताना कि उसको कैंसर हुआ है, एलमेंट इज़ बीमारी। तो इसको भी याद कर लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया आपके लिए ये भी, तो ये देख लीजिए, टू डायग्नोज, डायग्नोज मतलब किसी भी बीमारी का पता लगाना। तो हम बोलते हैं कि ही वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर इन चाइल्डहुड, मतलब उसको बचपन में कैंसर बताया गया, ठीक है। डायग्नोज विद, फिर कोई बीमारी। और ये बाकी वर्ड भी पढ़ लीजिए, फिर स्टोरी को सीधा ही पढ़ते हैं। तो लिम्प इज़ लंगड़ाना, लिम्पिंग इज़ लंगड़ाता हुआ। इनिशियली शुरुआत में वेट, वेट होता है पशु चिकित्सक। इमिटेट करना, नकल करना, जैसे बच्चे करते हैं बड़ों की नकल, इमिटेट करना। ऐसे ही स्टेबल ऑनर, स्टेबल ऑनर, स्टेबल बोलते हैं अस्तबल को, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। ऑनर मतलब मालिक, यानी कि अस्तबल का मालिक, स्टेबल ऑनर। डायग्नोज अभी आपने सीख लिया, बीमारी का पता लगाना। एंड टू नोड, नोड मतलब सर हिलाना, आप सर हिलाते हैं उसको बोलते हैं नोड करना। ये सारे वर्ड अभी आएंगे, अब ध्यान से देखिएगा, स्टोरी को ध्यान से पढ़ते जाइए। कह रहे हैं एक समय की बात, एक प्राइज्ड हॉर्स ने लंगड़ाना शुरू कर दिया किंग अकबर के किंगडम में। इनिशियली शुरू शुरू में हर किसी को लगा कि एक माइनर सी इंजरी है या फ्रैक्चर है। बहुत सारे पशु चिकित्सक बुलाए गए उसके ट्रीटमेंट के लिए। बट लेकिन नो वन वॉज एबल टू डायग्नोज द एलिमेंट, लेकिन किसी को भी उसकी बीमारी का पता नहीं चला। आगे देखते हैं, आगे लिखा है फाइनली, अंत में फाइनली क्या हुआ, बिल्कुल फलतः भी बोलते हैं इसको, द स्टेबल ऑनर। स्टेबल ऑनर मतलब अस्तबल का मालिक। तो इस वर्ड को याद कर लीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ डिफरेंट कलर में, स्टेबल ऑनर, ठीक है, स्टेबल ऑनर। और ये जो कुछ और वर्ड है इनको भी मैं थोड़ा ग्रीन में कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे। तो कह रहे हैं फाइनली, फिर क्या हुआ, जब कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, यानी कि डायग्नोज नहीं कर पाया कि वो लिम्प क्यों कर रहा है, तो स्टेबल ऑनर, उसका जो मालिक था अस्तबल का, अप्रोच्ड, वो पहुंचा। ये हमारा है प्रेजेंट इन पास्ट इनडेफिनिट एक्टिव वॉइस का। तो स्टेबल ऑनर वहाँ पहुँचा, बीरबल, बीरबल के पास। तो बीरबल के पास पहुँचा एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उससे हेल्प मांगी। अब आस्क का मतलब यहाँ पूछना नहीं है, यहाँ पर आस्क का क्या मतलब है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, आस्क मतलब पूछना, आस्क फॉर मतलब मांगना। तो कह रहे हैं कि स्टेबल का ऑनर, जो अस्तबल का मालिक था, वो बीरबल के पास पहुँचा, अप्रोच मतलब पहुँचा, एंड आस्क्ड फॉर, और उसने मांगी हिज हेल्प, उसकी मदद। आगे क्या हुआ, बीरबल वेंट टू द स्टेबल,
फिर बीरबल जो था वेंट गया, कहाँ पे गया, टू द स्टेबल। जब हम ट्रांसफ़र होते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह तो टू का यूज़ करते हैं, तो बीरबल गया स्टेबल की तरफ यानी कि अस्तबल में गया। एंड इंस्पेक्टेड, और उसने निरीक्षण किया, इंस्पेक्ट किया कि भाई जांच पड़ताल की, इंस्पेक्ट मतलब हो गया जांच पड़ताल करना। तो स्टेबल याद कर लीजिए, इंस्पेक्ट याद कर लीजिए, इंस्पेक्टर होते हैं वो जांच पड़ताल करते हैं। तो वो गया स्टेबल में और इंस्पेक्ट किया द हॉर्स, मतलब हॉर्स को अच्छे से जांच पड़ताल किया। ही देन, उसने फिर आस्क्ड द स्टेबल ओनर, स्टेबल ओनर से पूछा, क्या पूछा, इफ़ अगर द ट्रेनर ऑफ दिस हॉर्स लिम्ब्ड। अगर आप यहाँ पर देखें, इसको ब्रेक करने में बहुत लोगों को गलती होती है बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो मैं इसको आपको सिंपल वे में लिख के दिखाता हूँ। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो नरेशन का पार्ट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ही देन आस्क्ड, उसने फिर पूछा, किससे पूछा, द स्टेबल ओनर, यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं, ओनर से पूछा। अगर अगर उसके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए जाएं तो क्या बोलेंगे, डज द ट्रेनर ऑफ द हॉर्स लिम्प। अगर आप ध्यान से देखें तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में इस तरह से बोलेंगे, ठीक है, और आस्क की जगह भी क्या बोल देंगे, सेड टू, ही सेड टू द ओनर, ठीक है, या स्टेबल ओनर पूरा ही लिख लेते हैं। उसने स्टेबल ओनर से कहा, डज द ट्रेनर ऑफ द हॉर्स लिम्प, क्या जो ट्रेनर है हॉर्स का वो लंगड़ाता है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे क्या बोलेंगे, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड द स्टेबल ओनर, उसने स्टेबल ओनर से पूछा। और जब हमारा सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है, जब इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तो मैं इफ़ यूज़ कर लेता हूँ, यू कैन ऑल्सो यूज़ वेदर। ही आस्क्ड द स्टेबल ओनर इफ़, उसके बाद अगर टेंस देखें तो कौन सा है, दिस इज़ प्रेजेंट इनडेफिनिट, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट किस में बदलता है इनडायरेक्ट में, पास्ट इनडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट लेके चलते हैं, द ट्रेनर ऑफ द हॉर्स, और सेकंड फॉर्म लगा दीजिए लिम्ब्ड। तो ये होगी ट्रांसलेशन। तो अब आइए यहाँ पे वापस, तो अब देखिए ट्रांसलेशन, ही देन आस्क्ड द स्टेबल ओनर, उसने स्टेबल ओनर से पूछा, अगर इफ़ यानी कि क्या वाला सेंटेंस है ये सेंटेंस, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब उसने पूछा होगा, डज द ट्रेन ऑफ द हॉर्स लिम्प। तो समझ में आया, तो ये मैंने आपको नरेशन में बताया हुआ है। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, स्टेबल ओनर। तो अभी हुआ क्या, उसने भी स्टेबल ओनर से पूछा कि क्या घोड़े का जो ट्रेनर है क्या वो लंगड़ाता है। द ओनर, ओनर ने नोडेड, सर हिलाया, एंड रिप्लाइड, और रिप्लाई किया। अब यहाँ पे नोड आ रहा है, तो नोड याद कर लीजिए, नोड मतलब क्या हो गया, सर हिलाना। उसने रिप्लाई किया, द ट्रेनर, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच यूज़ हो रही है क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ हुए हैं, तो डायरेक्ट में उसने क्या बोला, द ट्रेनर ऑफ दिस हॉर्स, कि इसका जो ट्रेनर है घोड़े का, ऑफ दिस हॉर्स हैड एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ। हैव एन एक्सीडेंट मतलब होता है एक्सीडेंट होना, तो हैव की सेकेंड फॉर्म क्या है, हैड। आप ये भी लिख सकते थे मीट विद एन एक्सीडेंट, बट वो यूज़ नहीं करते हैं इतना, तो मेट विद एन एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं। तो ट्रेनर जो है उसने क्या बोला, रिप्लाई किया कि जो ट्रेनर है घोड़े का उसका एक्सीडेंट हुआ है, एंड नाउ, और अब वॉक्स, चलता है विद अ लिम्प, थोड़ा लंगड़ा कर, ठीक है, वो लंगड़ा कर चलता है। यहाँ पर लिम्प जो यूज़ हुआ है, दिस इज़ नाउन। आगे लिखा है बट, लेकिन, हाउ डिड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता। अब ये जो सारे के सारे वर्ड हैं ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, यानी कि किसके कहे हुए वर्ड हैं, ऑनर के। तो आगे क्या हुआ, बीरबल क्लैरिफाइड, उसने स्पष्ट किया, क्लैरिफाई मतलब साफ करना, स्पष्ट करना। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड हैं, योर हॉर्स इज ओनली इमिटेटिंग इट्स ट्रेनर। तो बीरबल ने बोला कि जो तुम्हारा घोड़ा है वो सिर्फ इमिटेट कर रहा है। अब इमिटेट का क्या मतलब होता है, नकल करना, ठीक है, बच्चे नकल करते हैं। लाइक अगर आप मुझे इंग्लिश में बोलते हुए सुनेंगे तो आप मेरी तरह से हो सकता है कुछ ना कुछ इमिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि
जैसी संगत वैसी रंगत, राइट। तो आपकी कंपनी डिसाइड करती है, जैसा आप सुनेंगे वैसा बोलेंगे। तो अभी क्या हुआ कि उसने, बीरबल ने कहा, क्लैरिफाई किया कि तुम्हारा जो घोड़ा है वो इमिटेट करता है इट्स ट्रेनर, अपने ट्रेनर को। वी ऑफन इमिटेट, आगे बोल रहा है, हम ऑफन अक्सर इमिटेट नकल करते हैं दोज, उनकी किनकी, वी एडमायर, जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। एडमायर का मतलब क्या हुआ, प्रशंसा करना, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, एडमायर करना। फिर आगे क्या हुआ, द स्टेबल ऑनर थैंक्ड बीरबल, तो स्टेबल ऑनर ने थैंक किया बीरबल को, एंड ऑर्डर्ड द ट्रेनर टू बी चेंज्ड। तो ये चीज़ बहुत लोगों को परेशान करती है, क्या परेशान करती है वो भी देख लीजिए, टू का यूज़। थैंक्ड किया बीरबल को एंड ऑर्डर्ड द ट्रेनर, अब ऑर्डर्ड द ट्रेनर, अब ट्रेनर को ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि आगे वाला बताएगा टू बी चेंज्ड, तो ऑर्डर दिया उसने ट्रेनर को चेंज किया जाने का। अब ये फॉर्मेशन मैंने आपको करा रखी है अच्छे से, कौन सी फॉर्मेशन यूज़ हुई है, ये वाली फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट टू बी थर्ड फॉर्म। ये मैंने वीडियो पूरी बना के डाल रखी है 1 ईयर के कोर्स में अपने ऐप में, तो देख लीजिएगा। तो दोस्त जो स्टेबल ओनर था उसने बीरबल का धन्यवाद किया और ऑर्डर दिया ट्रेनर को चेंज किए जाने का, इसलिए टू बी चेंज्ड। अगर अगर मान लो आप यहाँ पे ये लिख देते ऑर्डर्ड द ट्रेनर टू चेंज, तो क्या मतलब होता, इसका मतलब निकलता कि उसने ऑर्डर दिया ट्रेनर को बदलने का, मतलब ट्रेनर बदलने का काम करता है किसी को, लेकिन यहाँ तो ट्रेनर को बदले जाने का ऑर्डर दिया, इसीलिए टू बी चेंज्ड, राइट। सो आगे, वंस द ट्रेनर वॉज रिप्लेस्ड, वंस मतलब जब जो ट्रेनर था उसको रिप्लेस कर दिया गया, ये पैसिव वॉइस है, वॉज रिप्लेस्ड, द हॉर्स स्टॉप्ड लिंपिंग, और घोड़े ने लंगड़ाना बंद कर दिया, ठीक है। स्टॉप के बाद यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आईएनजी फॉर्म। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी पूरी स्टोरी, तो फटाफट से बता देता हूँ, आइज क्लोज कर लीजिए, स्टोरी सुनिए। एक समय की बात है, एक प्राइज्ड हॉर्स ने लंगड़ाना शुरू कर दिया किंग अकबर के किंगडम में। शुरुआत में हर किसी को लगा कि ये तो एक माइनर सी इंजरी है या फ्रैक्चर है। बहुत सारे न्यूमरस वेट्स, वेट्स मतलब चिकित्सक बुलाए गए उसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कोई भी उसका जो एलिमेंट था, बीमारी थी, उसको डायग्नोज नहीं कर पाया। फिर फाइनली क्या हुआ, स्टेबल ऑनर जो था अस्तबल का मालिक, वो बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मदद मांगी। बीरबल स्टेबल में गया, अस्तबल में गया, और उसने हॉर्स को इंस्पेक्ट किया, निरीक्षण किया, उसका जांच पड़ताल की। फिर उसने स्टेबल ऑनर से पूछा, क्या इसका ट्रेनर लंगड़ाता है? तो ऑनर ने अपनी गर्दन हिलाई और रिप्लाई किया कि जो ट्रेनर था उसका भी एक्सीडेंट हुआ है और वह भी लंगड़ाता है, बट तुम्हें कैसे पता, ये ऑनर ने कहा। तो बीरबल ने क्लैरिफाई किया कि तुम्हारा हॉर्स जो है वो ट्रेनर की नकल कर रहा है, हम अक्सर उनकी नकल करते हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। तो स्टेबल ऑनर ने उसको थैंक किया और ऑर्डर दिया ट्रेनर को बदले जाने का, और जब एक बार ट्रेनर को बदल दिया गया तो हॉर्स ने लिंप करना बंद कर दिया। तो ये थी स्टोरी। तो इसके अलावा मैंने एक और वीडियो डाल दी है, 329 यूट्यूब पे नहीं आएगी, उसके अंदर मैंने एक आइल्स का ऐसे लिया है, एक एडवांस लेवल का ऐसे, जिसमें बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, एडवांस लेवल के की फॉर्मेशन है, वोकेबलरी भी अच्छे लेवल की है, तो उसको समझाने में मुझे 30 मिनट्स लगे, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर, 329 वीडियो नंबर। तो आइल्स वालों के लिए स्पेशली, और जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं और जिनको राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे ब्रेक करके आप अच्छे से समझ सकते हैं उसको। तो ये ब्रेकिंग टेक्निक कोई सिखाता नहीं है, एक्चुअली मेरी खुद की बनाई हुई है, मैं इसी तरह से पढ़ता था इसलिए मुझे समझ आ जाती है हर चीज़। तो देख लीजिएगा वीडियो 329, और आप में से जो भी न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी, वोकैबुलरी वर्ड कैसे लगे। तो आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। इन स्टोरीज़ को आप सुनते जाएँ, सुनते सुनते वोकैबुलरी वर्ड्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको सुनते सुनते ही टेंसेस पे अच्छी कमांड होने लगेगी, क्योंकि स्टोरी में क्या पढ़ा कि वी ऑफन इमिटेट दोज वी एडमायर,
तो अगर आप देखते जाएंगे तो आप भी क्या करेंगे, इमिटेट करने लगेंगे और आपके ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग होगी अकॉर्डिंगली हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी द लिंपिंग हॉर्स। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।